नमस्कार दोस्तों, भारत में जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन से कोरोना विस्फोट हुआ है, बड़ी बात तो यह है सबको उम्मीद था कि इस समय इस मुसीबत में यूरोप वाले अमेरिका वाले हमारा साथ देगा, लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है हमारा दुश्मन नंबर एक चाइना ने बहुत बड़ा पेशकश दिया है। इतना ही नहीं, रसिया भी दोस्तों अपना पुराना दोस्ती याद दिलाया, बोला कि हम अभी जिंदा है। इतना ही नहीं, फ्रांस इजराइल दोस्तों तमाम सारे देश ने भारत को बहुत बड़े बड़े ऑफर दिया है, भारत को हर समय मदद पहुंचाने के लिए वादा किया है, बहुत कुछ कहा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है अमेरिका अभी भी सोया हुआ है और यहाँ पे दुनिया चौंका हुआ है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? आखिरकार अमेरिका मानवता का शर्मसार क्यों कर रहा है? आखिरकार अमेरिका अपने औकात क्यों दिखा दे? दोस्तों दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है और यही बात अमेरिका के जो सांसद है उन्होंने कहा है कि जितना भी किया कराया था, भारत से मित्रता था, सबको बाइडेन ने केवल 2 दिन में तोड़ दिया। दोस्तों ऐसा अमेरिका के खासतौर पर सांसद बोल रहा है। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है और मैं बताऊंगा चाइना ने क्या बोला है, रूस ने क्या बोला है, इजराइल ने क्या बोला है, फ्रांस ने क्या बोला है और कौन सा देश है जो क्या क्या मदद देने का वादा किया है। और दोस्तों बताऊंगा आखिरकार अमेरिका के इस गलती से आने वाले समय में कितना भयंकर उसे नुकसान होने वाला है। देखिए आप जानते हैं अमेरिका के बारे में कहा जाता है दोगला देश, यानी कि उसका कोई धर्म नीति नहीं है, केवल स्वार्थ है। दोस्तों ये बात पहले सब बोल चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं था आखिरकार चाइना हमको इतना बड़ा ऑफर दे सकता है। दोस्तों चीन ने ओपनली बोला है कि भारत हमारा पड़ोसी है, भारत में जो हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है और खासतौर पे कोरोना वायरस ये मानवता के लिए है, या किसी देश के लिए नहीं है, किसी सीमा के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है और खासतौर पे एशिया में कहीं भी अशांति फैलता है वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे मदद करेंगे। दोस्तों चरण अपनी बोला है कि हम भारत का सहयोग करेंगे, जो चाहे भारत सरकार हमसे मांग ले, चाहे वैक्सीन चाहिए या फिर कच्चा माल चाहिए, कुछ भी चाहिए हमसे ले सकता है, हम पड़ोसी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। और वैसे भी भारत मेरा बहुत बढ़िया पड़ोसी है, बहुत नज़दीकी पड़ोसी है। इतना ही नहीं, उनका यह कहना है कि जिस समय 2020 में हमारे यहाँ वायरस फैला था उस समय भारत सरकार ने हमें भी ऑफर दिया था, हमें खुशी हुआ था और आज हम भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है, भारत सरकार हमसे मदद ले ले, कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी अपने रास्ते हैं, बॉर्डर विवाद अपने रास्ते हैं, लेकिन मानवता के लिए हम खड़े हैं, हमसे आप मदद लीजिए, आपका हम दुश्मन नहीं, आपका मैं दोस्त। दोस्तों चाइना ने यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिखाया है, बताया है कि बेशक हम लोग आपस में लड़ते हैं, अपने अपने फायदे के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब भी मानवता का बात आता है हम वहाँ पे खड़े रहते हैं। दोस्तों चाइना ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया है, खासतौर पर अमेरिका से बेहतरीन होने का दावा किया है। चाइना ने साफ कर दिया है कि असल मायने में सुपर पावर बनने लायक हम ही है, अमेरिका बूढ़ा हो चुका है, अमेरिका में जान नहीं है, अमेरिका आज खुद नहीं बचा सकता है, दूसरे को क्या बचाएगा। दोस्तों चीन ने यह बात बोला। अब बोलेंगे आखिरकार हमारा सबसे पुराना मित्र रसिया ने क्या बोला, आखिरकार किस प्रकार से भारत को मदद देने का वादा किया। दोस्तों चलिए हम लोग ये जानते हैं। रूस ने कहा है कि हमें तो भारत के बारे में नस-नस पता है, भारत तुम्हारा सच्चा मित्र है और ऐसे भी भारत में कभी भी कठिनाई आया है हमने साथ दिया है, बेशक आज हम लोग में थोड़ा मनमुटाव है, इसका मतलब यह नहीं कि हम साथ छोड़ दे, यहाँ पे भारत के लिए हम बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। दोस्तों रूस का कहना है कि भारत में वर्तमान में एक दवा है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे किल्लत पड़ा हुआ, जिसका नाम है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर को हम बहुत जल्द भारत में भेजने वाले हैं और हर सप्ताह कम से कम 3 से लेकर 4 लाख डोज, यानी कि इंजेक्शन है ना, खासतौर पे जो दवा है रेमडेसिविर वो भारत में हम भेज देंगे, टेंशन की बात नहीं है। रूस ने कहा कि हमें पता है भारत में वैक्सीन का किल्लत पड़ गया है, हमें पता है, इसीलिए हम बहुत जल्द स्पुतनिक भी भारत में भेज रहे हैं, उसे सब कुछ ट्रायल हो चुका है, सब बात हो चुका है। और रही बात पैसा का, पैसा कोई इशू नहीं है, भारत सरकार चाहे जो दे दे, चाहे 700 में 2 डोज दे दे या कुछ दे दे, हम लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे जिस प्रकार से रसिया की जनता है उसी प्रकार से हमारे लिए भारतीय जनता है। दोस्तों ये बात रसिया ने बोला है, बड़ी बात तो यह उन्होंने एक और बहुत बड़ा वादा किया है। रूस ने कहा है कि हमें पूरी तरह से पता है भारत में आज ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जरूरी है, इसीलिए भारत के लिए पहली बार मैं भारत के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करूँगा और खासतौर पे 15 दिन के भीतर भीतर मैं सब कुछ दूंगा, चाहे रेमडेसिविर दवाई हो या फिर वैक्सीन हो या फिर ऑक्सीजन हो, सब कुछ मैं भारत में सप्लाई करने वाला हूँ, भारत को हर समय प्रयास करूँगा भारत को बचा ले इस मुसीबत से। और मेरा यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, जितना हमारे लिए रशियन लोग हैं वैसे ही हमारे लिए भारतीय लोग हैं। दोस्तों ऐसा पुतिन ने
पूरी दुनिया को चौंका दिया और बड़ी बात तो यह अमेरिका का औकात दिखा दिया और खास तौर पे नजर ही नजर में भारतीय लोगों का दिमाग भी खोल दिया। रूस ने बता दिया है कि बेशक हम लोग का आज थोड़ा बहुत विचार अलग है, लेकिन फिर भी हमारे मन में भारतीय लोगों के प्रति थोड़ा भी गुस्सा नहीं है, वो तो मेरा भाई जैसा है, मेरा मित्र जैसा है। और दोस्तों रशिया के इस बयान से अमेरिका के तमाम थिंक टैंक आज बाइडेन को गाली तक दे रहा है, बोल रहा है कि ये कितना बड़ा मूर्ख है जो खुद से गलती कर लिया और भारत से पंगा नहीं लिया, भारत के लोगों से पंगा लिया है, भारत के लोग आज मुसीबत में उसे साथ नहीं दे रहा है। आखिरकार बाइडेन किस प्रकार का नेता है, किस प्रकार सा मानव है। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है। इन सब के अलावा आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा प्यारा मित्र फ्रांस ने क्या बोला। दोस्तों फ्रांस ने साफ बोला कि हमें यकीन नहीं हो रहा ऐसा भारत में हो रहा है। जो भारत कल तक पूरी दुनिया का मदद कर रहा था, चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो या फिर वैक्सीन हो, जिस समय दुनिया वैक्सीन के लिए तड़प रहा था, भारत सबको फ्री में बांट रहा था, लेकिन अचानक से ये वायरस ने परिलंकारी रूप ले लिया, खासतौर पे बहुत खतरनाक रूप ले लिया और रातों रात भारत में इस प्रकार का माहौल बना दिया। और आज ये हाल हो गया कि भारत में हर दिन कम से कम 3 से 3.5 लाख आदमी को ये वायरस हो रहा है और कम से कम 2,000 से लेकर 3,000 आदमी मर रहा है। ये बहुत ही दुखदायक है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। फ्रांस का कहना है कि भारत सरकार चाहे हमसे जो ले ले कोई दिक्कत नहीं, हमसे जो मदद चाहिए वो ले ले, हम निस्वार्थ दे देंगे, अगर हमारे पास ना होगा तब भी किसी से जुगाड़ कर देंगे, यानी कि हमसे अभी आपको जो चाहिए वो मदद ले ले, पैसा का कोई इशू नहीं है, हम भारत के लोगों के लिए, भारत सरकार के लिए पूरी तरह से दिल खुल के तैयार है, हमारे पास जो भी साधन है भारत सरकार ले सकता है, चाहे कोई दवाइयाँ चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, हम पूरी तरह से देंगे, हम इस समय भारत के साथ खड़े हैं। और वर्तमान में जो भारत के साथ खड़ा नहीं होगा ना, वो अपने आप पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होगा, क्योंकि जो भारत मानव के लड़ रहा था आज उसी भी मुसीबत आ खड़ा है। और यहाँ पर जो चुप है वो अपने आप में बेहद ही खतरनाक देश है और बहुत ही चलाक है, उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों खासतौर पर फ्रांस ने अमेरिका को इशारे में धो दिया। आप बोलेंगे चलो भाई फ्रांस बोल दिया, रूस बोल दिया, चीन बोल दिया, हमारा प्यारा इजराइल क्या बोला है। दोस्तों इजराइल ने पहले बोला है कि वर्तमान में कोरोना वायरस जिस प्रकार से घातक रूप ले लिया है भारत में, वो बेहद ही दर्दनाक और खतरनाक है, इस समय भारत के साथ हैं और भारत सरकार हम चाहे जो मदद ले ले हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमसे जो भी ले बिंदास देंगे, लेकिन भगवान से हम दुआ करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भारत को इसी मुसीबत से बचा ले। और दोस्तों इजराइल ने भी सेम बात कहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सबको मदद किया, चाहे कोई भी देश हो, अफ्रीकन कंट्री हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, सबको मदद किया, फ्री वैक्सीन दिया, लेकिन आज ये दिन आ गया है, अमेरिका इतना घटियापन चाल चल रहा है कि कच्चा माल दे रहा है। दुनिया याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने भारत को खंजर भोंका था, दोस्त के नाम पे धोखा दिया था। और दोस्तों इजराइल ने पहले बोला कि वर्तमान में किसी न किसी तरह से भारत में ये महामारी टलक जाएगा, आज नहीं कल तो ये खत्म होगा ही, वायरस है वो खत्म होगा ही, लेकिन भारत के लोग के अंदर बहुत ज़्यादा अमेरिका के प्रति नफरत फैल गया है। अब अमेरिका चाहे किसी भी तरह से आ जाए, भारत के लोग उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का चरित्र पूरी तरह से आज फिर से खतरनाक हो गया है, बेहद ही लोग उस पर हंस रहा है।